क्लास प्लस वन। तो आई एम योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब आप प्लस वन क्लास में हो चुके हैं, तो आपको एक मेन बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने नोट्स जरूर बनाने हैं। जो भी आपको टीचर जिस भी सब्जेक्ट पर काम करा रहा है, आप हमेशा अपने नोटबुक और पेन साथ लेके बैठेंगे। जो भी वो काम करा रहा है उसको नोट जरूर कीजिए। अब वो टाइम चला गया है कि आप बुक्स में से रट्टा वेकेशन मारें नोट। अब आपने साइंस सब्जेक्ट चूज किया है तो आप अंडरस्टैंडिंग बनाने सबसे पहले। तो अंडरस्टैंड करने के लिए सब्जेक्ट्स को जब तक आप अपने हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक साइंस हम नहीं समझ सकते। और थोड़ा पेशेंस जरूर रखना है, आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो सब्जेक्ट को। ये नहीं एकदम से हाई मुझे ये नहीं आया, आज मुझे ये समझ नहीं आया, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा, बट आपको पेशेंस रखना है। ओके बेटा, तो मैं आपको फिजिक्स का क्लास प्लस वन का आज पहले बेसिक बातें करते हो जो आपने नाइन्थ क्लास में टेंथ क्लास में सुन रखी होगी। ओके, तो हम पहला यूनिट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक टर्म पढ़ लेते हैं, फिजिक्स। क्योंकि हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें फिजिक्स का मीनिंग तो पता होना चाहिए कि फिजिक्स होता क्या है और इस चैप्टर में हम किसके बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, देखो फिजिक्स है क्या? फिजिक्स कुछ भी नहीं है, साइंस की ब्रांच है। इसकी ब्रांच है बेटा साइंस, यू कैन से द ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस आपने टेंथ तक आपके पास एक ही सब्जेक्ट था साइंस, क्लियर? उस साइंस में आपने तीन पार्ट्स पढ़े थे, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो, क्लियर? तो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब जो हमने साइंस को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो थ्री पार्ट्स में से हम फिजिक्स में किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अब कि फिजिक्स बेटा क्या है कि देखो, हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे, मान लो ये पेन है, सबसे पहले ये पेन ड्रॉ किया, क्लियर? इस ड्रॉ करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये जो अर्थ की तरफ पेन खींचे चले जाता है और पेन क्या कर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो ये एक अपने आप फिनोमिना हुआ, इसमें हमने तो कुछ नहीं किया ना, कि हमने इसको थ्रो किया, थ्रो करते ही ये पेन कहाँ चला गया हमारे पास, नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। ये जो हमारे पास नेचुरल फिनोमिना हुआ है, क्लियर है? जो आपका ये नेचुरल फिनोमिना हुआ है और जो नेचर में नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उसी के बारे में हम स्टडी करते हैं, कुछ लॉज बनाते हैं, कुछ डेरिवेशंस करते हैं, उसी को हमने साइंस की ब्रांच को क्या नाम दे दिया, फिजिक्स। क्लियर? तो फिजिक्स बेटा क्या है, साइंस की ब्रांच। किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की, जो किसके बारे में स्टडी करता है या किसके बारे में डील करता है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature. Nature means जो भी हमारे surrounding में हो रहा है, environment में हो रहा है, वो हमारे पास क्या है बेटा, nature। जैसे बिजली चमक रही है, बारिश आ रही है और हमारे side में से कोई गाड़ी जा रही है, कोई बस जा रही है, उसके बारे में study करना। किसकी अंडर स्टडी करते हैं हम? फिजिक्स के अंदर, क्लियर? तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, किससे, नेचर से या नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स जो हमारे पास प्रक्रिया हो रही है, जैसे यू कैन से, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि हमारे पास जैसे अर्थक्वेक आ रहे हैं, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, इन सब के बारे में जो भी नेचर में अपने आप हो रहे हैं उसके बारे में, उसके बारे में जानना, उसके बारे में स्टडी करना, दीज ऑल अबाउट द फिजिक्स। क्लियर? द फिजिक्स इज द
branch of science which deals with nature and natural phenomena. This is physics. अब physics है क्या? ये आपके माइंड में क्लियर है, 9th-10th में पढ़ भी चुके हैं. अब हमारा सबसे पहला यूनिट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी सुन रखी है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी नहीं होगी. बस अपनी नोटबुक पेन लेके बैठिए और रोज का काम आप रोज, क्योंकि हम लाइव टू लाइव तो इंटरेक्ट कर नहीं पा रहे, फेस टू फेस में इंटरेक्शन हो नहीं पा रही, ठीक है. तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ओके, तो हम पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं. जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट का नाम ही क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. यूनिट्स एंड मेजरमेंट. अब इस यूनिट में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक वर्ड फिजिकल क्वांटिटी से. आवर फर्स्ट वर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी. क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल मीन्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिसको आप माप सकते हैं, उसे आप क्या बोलोगे, फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मार्कर है, क्या हम इस मार्कर की लेंथ माप सकते हैं? आप कहेंगे यस. तो ये आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया हम माप सकते हैं, यस. तो ये आपके बेटा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. तो इनडायरेक्ट समझो या डायरेक्ट समझो, किसी भी तरीके से समझो, तो फिजिकल क्वांटिटी आपने किसको कहना है, जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वे से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को दोज क्वांटिटीज which can be measured. Directly or indirectly. ठीक है, चाहे डायरेक्ट मापो चाहे इनडायरेक्ट मापो, किसी भी मेथड से मापो, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी. जिस चीज़ को आप माप सकते हो उसे क्या बोलोगे, फिजिकल क्वांटिटी. क्या अब मेरी फीलिंग्स है जैसे कोई, क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? व्हाट विल यू से? यू से नो मैम. तो इट मींस इसको हम क्या बोलेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. जैसे मैं हंस रही हूँ, क्या आप इसको माप सकते हो? नो. तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. मैं रो रही हूँ, क्या आप उसको माप सकते हो? योर आंसर विल बी नो. तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. इन शॉर्ट, जिसे आप माप पाओगे उसे बोलेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के टर्म में, जिसे हम नहीं माप सकते उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे. तो फिजिकल क्वांटिटी बेटे क्या होती है, दोबारा रिपीट करो, ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, माप सकते हैं या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मास, क्या आप मास को माप सकते हो? आंसर विल बी यस. तो दिस इज फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ को माप सकते हो? यस. तो दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी. गाड़ी जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, इसको माप सकते हो. तो ये क्या है बेटा, कि फिजिकल क्वांटिटी. वेलोसिटी, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको आप डायरेक्टली मापो या इनडायरेक्टली माप सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है. अब देखो फिजिकल क्वांटिटी का मैं इनको समझ आ गया. अब आगे देखो क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे कैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज के नाम देने स्टार्ट किए. क्लियर है? जैसे मास नाम दिया, लेंथ नाम दिया, टाइम नाम दिया, कैसे नाम दिया, इसको समझते हैं थोड़ा सा. इसको समझने से पहले हम एक वर्ड
करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होती है फंडामेंटल? इसका बेस क्वांटिटीज भी हो सकते, क्या हो सकते उसको बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है? सबसे बेसिक, ठीक है। अब देखो, जैसे हमें घर बनाना है तो हमने एक ईंट लगाई, बेस स्टार्ट किया, नींव बनाई उसकी, उसके ऊपर आप अपना घर बनाना स्टार्ट करोगे ना, वो आपका क्या है? बेस है। क्या है आपका? बेस। जैसे प्लस्तर मिटा, आपका क्या है? बेस। इसके लिए आगे फर्दर स्टडी के लिए, क्लियर। फंडामेंटल ऐसी क्वांटिटीज, क्वांटिटीज तो मैंने क्लियर है क्या, जिसको हम माप सकते हैं। और फंडामेंटल किसे बोलोगे और बेसिक क्वांटिटीज किसे बोलोगे? आप देखो, जैसे इसको समझते हैं, क्लियर। ऐसी क्वांटिटीज जिसको किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी में हम नहीं लिखते, उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज, जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करते। सबसे जो हमने बेसिक चूज करी है उसे क्या बोलोगे आप? फंडामेंटल। जैसे मास, लेंथ, टाइम। चलो इसी को समझते हैं, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अब जैसे मान लो तुम 2 kg 2 kg चीनी ले रहे हो, क्लियर है। क्या तुम उस चीनी वाली शॉप पे जाके ये कहोगे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो? नहीं कहोगे ना, तो तुम वो क्या समझेगा तुम्हारी बात? कह दोगे तुमसे 2 मीटर, मतलब ऐसे कह सकते हो कि 2 किलो चीनी की जगह तुम 2 मीटर मुझे चीनी दे, सॉरी कपड़ा नहीं, चीनी दे। क्या वो दुकानदार आपकी बात समझेगा? नहीं समझेगा ना, क्लियर। तो हम मास को किसमें नहीं लिख पा रहे? अब लेंथ आगे बस समझ। अब मास की अपनी आइडेंटिटी है और लेंथ की अपनी क्या है? अपनी आइडेंटिटी है, क्लियर है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जो अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड ना करे, उस क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दिया? फंडामेंटल क्वांटिटी, क्लियर है। जैसे लेंथ है, अब 2 मीटर आपको कपड़ा लेने गए, उसको ये कहोगे भाई 2 किलो कपड़ा? नो ना। तो ये लेंथ है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसको कौन सी कैटेगरी में आप फील कर दोगे? फंडामेंटल। एनी डाउट? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है, क्लियर। उसे क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक और क्वांटिटी होती है डिराइव क्वांटिटीज। नेक्स्ट वन इज डिराइव क्वांटिटीज। क्या होते हैं डिराइव क्वांटिटीज? डिराइव मीन्स इसको किसी और से निकालना, नाम से क्लियर है। जैसे ऐसी क्वांटिटीज जिसे हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? फंडामेंटल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। जैसे आपने एग्जांपल सुना हुआ है स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय में टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय में टाइम। अब आप क्या मेजर कर रहे हो? स्पीड को। स्पीड को निकालने के लिए आप क्या क्या मापोगे? लेंथ, और क्या मापोगे? टाइम, कितने समय में उसने कितनी दूरी को तय किया। तो ये डिस्टेंस हो गया या लेंथ हो गया, ये कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। टाइम बेटा भी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। तो जो ये क्वांटिटी आई स्पीड, ये कैसी क्वांटिटी है? डिराइव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? डिराइव। डिराइव मीन्स जिसे आपने किस क्वांटिटी से निकाला है? फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाला है, उसे हम क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी।
those quantities which can be derived from the fundamental quantities. That quantity is known as the derived quantity. I'm repeating again. ऐसी क्वांटिटी डिराइव से हम निकाल सकते हैं किससे फंडामेंटल कुछ क्या होता है डिराइव क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव fundamental quantities. ठीक है, कहाँ से निकाल सकते हैं fundamental quantities. जैसे अपना example हो गया velocity, force, ये सारे आपके कैसे quantity है बेटा डिराइव क्वांटिटीज. तो दो क्वांटिटी हो गई, एक होगी आपकी फंडामेंटल, आपकी दूसरी क्या होगी डिराइव. फंडामेंटल मीन्स बेसिक, जो अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती. डिराइव क्वांटिटीज आर डायरेक्ट क्वांटिटीज जिनको हम किससे निकाल सकते हैं बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटीज से. क्लियर आपको क्लियर. नेक्स्ट हमने 9th क्लास में या 10th क्लास में जरूर ये सुना होगा चार टाइप के सिस्टम. मैंने अभी लिखा सिस्टम ऑफ यूनिट. देखो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट क्या होता है कंपैरिजन. यूनिट क्या होता है कंपैरिजन. ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लो जैसे ये हमारे पास लेंथ मापनी है ना. अब लेंथ है तो आप उस लेंथ को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, मीटर की फॉर्म में, सेंटीमीटर की फॉर्म में, किलोमीटर की फॉर्म में. तो हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया. क्या फिक्स कर दे स्टैंडर्ड फिक्स कर दो. क्या फिक्स कर देगा स्टैंडर्ड मतलब कंपैरिजन. जैसे मान लो मैंने एक स्केल रखा है, क्या रख देगा स्केल. तो अब ये स्केल क्या है हमारे पास के कंपैरिजन करके बताएगा ना, उसे क्या बोलते हैं हम यूनिट. क्या बोलते हैं हम यूनिट. क्लियर. देखो सिस्टम ऑफ यूनिट, अब कहने का मीनिंग क्या है. अब मान लो लेंथ को मापना है, मास को मापना है, उसके लिए हमने चार सिस्टम बनाए. कितने सिस्टम बनाए चार. पहला क्या है CGS. क्या है पहला मान लो CGS. सी का मीनिंग क्या होता है सुना होगा आपने सेंटीमीटर. जी का मीनिंग क्या होता है ग्राम. एस का मीनिंग क्या होता है सेकंड. कुछ रट्टा नहीं मारना तो समझना है क्या. पहला सिस्टम लिखा मैंने सी जी एस. सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकंड. क्या मीनिंग है लेंथ को आप किसमें मापोगे इसमें सेंटीमीटर में सिस्टम में अगर काम कर रहे हो. ग्राम में मापेंगे किसको मास को. सेकेंड किसको मापोगे आप टाइम. पहला सिस्टम ये हो गया. दूसरा सिस्टम मैंने लिखा MKS. नाम M मीन्स क्या होता है मीटर, K मीन्स किलोग्राम, S मीन्स सेकेंड. अगर आप MKS सिस्टम की बात करते हो तो हम क्या करेंगे लेंथ को मापेंगे मीटर में, मास को मापोगे किलोग्राम में, टाइम को मापोगे सेकेंड. एंड आउट MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड. क्लियर. थर्ड सिस्टम है आपका बेटा FPS. F means foot, P means pound, S means second. FPS सिस्टम में लेंथ को मापेंगे फुट में, मास को मापोगे पाउंड में, टाइम को किसमें मापोगे सेकेंड. तो ये तीन सिस्टम हो गए अपने. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है अपना फोर्थ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम. इसको
हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ लर्निंग। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ लर्निंग क्या मीनिंग है? एक एग्जांपल लेके आपको बहुत इजी से ये क्लियर हो गया एसआई क्या होता है। मैं इंडिया में रहती हूँ, क्लियर है? अभी हमने बात करी थी चीनी लेने की, जब हम चीनी लेने गए, अब हम चीनी दुकानदार के पास जाते हैं किस में लेके आते हैं? किलोग्राम में, क्लियर? आप गए दुकानदार में, आपने कहा चीनी किलोग्राम में इतनी दे दीजिए, ओके। अब मान लो मेरा एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड आई मान लो अमेरिका से यहाँ पे, अगर वहाँ पे शुगर लेने के लिए, चीनी लेने के लिए किलोग्राम यूज़ ना करके क्या यूज़ करता वो? पाउंड यूज़ करता मान लो, ठीक है? तो वहाँ पे वहाँ का बंदा जब यहाँ एंटर करेगा अपने इंडिया में, तो अगर हम इंडिया वाले बंदे को, दुकानदार को ये बात कहेंगे भाई 2 पाउंड चीनी दे दे, क्या वो समझेगा? नो। तो हमने क्या किया, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर, ठीक है? अगर इसको हम 1 मीटर बोलेंगे तो चाहे हम यूएस जाए, चाहे ब्रिटेन जाए, चाहे पाकिस्तान जाए, इसको हमने स्टैंडर्ड क्या मानना है? 1 मीटर। तो ये 1 मीटर हमारा पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया, हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि अगर हमने मान लो अपनी इंडिया के चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हमने काम करना है, अगर स्टैंडर्ड फिक्स हो गई तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास मास को मापना है, लेंथ को मापना है, टेम्परेचर को मापना है, तो हमने ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर दी, ठीक है? तो जो हर जगह एक्सेप्ट होगी, चाहे अमेरिका में हो या यूएस में, बात समझ आ रही है? अब मान लो क्या नाम है, अब ऐसे समझिए जैसे पुराने ज़माने में छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी था कि पहले के टाइम पे अगर आपने कपड़ा लेना है तो आप क्या करते थे, अपने हाथ की लंबाई, अपनी बाजू की लंबाई से आप क्या लेने जाते थे कपड़ा। आपको मान लो आपका सूट इतने कपड़े से बनता है, ठीक है, इतनी लेंथ से, और आप दुकानदार को कहोगे भाई साहब इतने लेंथ से, ठीक है ना? तो उस बेचारे का हाथ मान लो अपने हाथ से छोटा हुआ, अपने आर्म से छोटा हुआ, तो क्या उतने कपड़े में आपका जो सूट तैयार करना था वो बन पाएगा? नहीं ना। तो दिक्कत आई ना, उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक तरीका अपनाया कि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स करते हैं, तो वो वैल्यू पूरी इंटरनेशनली आपकी क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। अगर यहाँ पे हम 1 मीटर इतना बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी 1 मीटर हम इतना ही बोलेंगे, समझ रहे हो बात को? इसको अगर 1 किलोग्राम बोल रहे हो यहाँ इंडिया में, तो पाकिस्तान में भी इसको आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 1 किलोग्राम। ब्रिटेन में, यूएस में, यूके में, कहीं भी जाओ तो क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ वैल्यू, समझ आएगा क्या? कि ऐसी हमने स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स कर दी जो हर जगह क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। इसे क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? इसमें लेंथ को किसमें मापोगे, मीटर में, टाइम को किसमें मापोगे, सेकेंड में, और मास को किसमें मापोगे, किलोग्राम। क्लियर? तो ये हमारे पास होते हैं 4 सिस्टम मापने के। फिजिक्स में मेनली हम यही सिस्टम पे काम करेंगे, एसआई सिस्टम पे। कौन सिस्टम पे बेटा? एसआई सिस्टम में हम करते भी आ रहे हैं, 9th और 10th में हमने काम किया है सिस्टम पे, ठीक है? तो हमारे पास 4 सिस्टम हो गए मापने यूनिट को, ठीक है? तो हमने फिजिक्स क्या होता है ये पढ़ा आज, क्या साइंस की ब्रांच जिससे नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमने उसके बाद देख किया फंडामेंटल, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद पढ़ा डिराइव, जिसको हम फंडामेंटल के फॉर्म में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिराइव। उसके बाद हमने बनाई सिस्टम ऑफ यूनिट 4, CGS, MKS, FPS, SI। CGS में C means सेंटीमीटर, G means ग्राम, S means सेकेंड, F means FPS में फुट, P means
सेकेंड, एम केस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड, और हमारे पास फोर्थ है एस आई, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज वेरी बेसिक, इसको आप एक बार नोट्स बनाओ, बुक्स है तो बुक्स में से पढ़ो, ठीक है। तो हम आज यहीं पे ओवर करते हैं अपना लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर हम लेके जल्द मिलेंगे, ठीक है बेटा, अपना काम रोज का रोज करना है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ द साइंस, ओके ओके, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।